हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट टिप्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मानसून सीज़न है, राइट? ये मानसून सीज़न जो होता है स्किन के लिए और आपकी हेयर्स के लिए थोड़ा डल सा होता है, बट एज अ मानसून सीज़न हम सबको पता है कि बहुत ही रोमांटिक सीज़न होता है, राइट? लेकिन अब देखिए, यहाँ पर मेरा डॉगी भी आ गया आपके साथ बात करने के लिए। सीज़न से हाय, अब जा तो हट जा। तो आज मैं आप सबके साथ एक सिंपल सा बेसिक हेयर हैक, जो हेयर केयर का हैक है, वो यूज़ करूँ शेयर करूँगी आपके साथ। वो ये है कि जैसे कि हम लोग शैम्पू करते हैं, तो रेनी सीज़न में हमारे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, आपको रफ़ लगने लगते हैं बाल। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप रेगुलर शैम्पू ना करें, उसमें आप एक तरीका कर सकते हो, ऑल्टरनेट वीक में एक बार आप शैम्पू ना करके सिर्फ नॉर्मल हेयर वॉश करें, लेकिन कंडीशनर लगा के। यस, दिस इज़ द ट्विस्ट बेसिकली। तो आपको शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ गीले बालों पे कंडीशनर अप्लाई करना है। और जैसे हम लोग नॉर्मल शैम्पू के बाद कंडीशनर जब अप्लाई करते हैं, तो 2 से 3 मिनट के लिए बालों पे ऐसे ही लगा छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से आपको ऐसे ही बालों पे लगा छोड़ देना है कंडीशनर को, और उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लेना है। दिस इज़ द बेसिक मेथड कि आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की भी रहेंगे, स्वेटिंग से स्मेल जो आ रही थी वो भी नहीं आएगी आपके बाल, और जो रेगुलर शैम्पू करने से आपके बालों में हार्म पहुंच रहा था, राइट, जो ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ब्रेकेज हो रहा था, डैमेज हो रहा था बालों का, वो भी कम होगा। और कंडीशनर से आपके बालों में मॉइस्चर ऑलरेडी आ ही जाएगा, क्योंकि आपने शैम्पू करा नहीं है, बस जो आपका मॉइस्चराइज़र है आपके बालों में, जो मॉइस्चर है उसको आपने क्या करा है, एक तरीके से लॉक कर दिया है यूजिंग द कंडीशनर। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा, ये हैक जो है मेरा, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये हैक आपके कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, आपके साथ वो आपने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी को भी अगर आप ये हैक शेयर करते हैं तो उनके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ये वीडियो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।